कांग्रेस को जाट दलितों का साथ, हरियाणा में दो दर्जन सीटों पर आर पार की लड़ाई। हरियाणा विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल के नतीजे आ चुके हैं। करीब दो दर्जन सीटों पर भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है। कई दिग्गज नेता इस मुकाबले में फंसे हुए हैं। जाट दलित वोट कांग्रेस को मिलने की संभावना है, लेकिन कुछ मतदाता भाजपा की ओर से भी झुके हैं। कुछ सीटों पर क्षेत्रीय दल और निर्दलीय उम्मीदवार भी फाइट में हैं। हरियाणा के चुनावी रण में एग्जिट पोल के नतीजों ने जो तस्वीर पेश की है, उससे अलग करीब दो दर्जन विधानसभा सीटें ऐसी हैं जिन पर भाजपा व कांग्रेस उम्मीदवारों के बीच कांटे की टक्कर है। इन विधानसभा सीटों पर कई दिग्गज फंसे हुए हैं। मुकाबले में कुछ भी नतीजा सामने आ सकता है। करीब 10 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां भाजपा व कांग्रेस के बागी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों को टक्कर देते नजर आ रहे हैं। भाजपा को उम्मीद है कि यदि इतनी संख्या में निर्दलीय और बागी चुनाव जीत गए तो वह पिछली बार की तरह इस बार भी गेम पलट सकती है। जाट दलित वोट कांग्रेस को मिलने की संभावना। लोकसभा चुनाव के नतीजों की तरह विधानसभा चुनाव में भी जाट व दलित मतदाताओं का साथ कांग्रेस को मिलने की संभावना है, जबकि कुछ दलित व जाट मतदाताओं का भाजपा के प्रति भी झुकाव दिखाई दिया है। अधिकतर एग्जिट पोल के नतीजों के मुताबिक हरियाणा में सभी क्षेत्रीय दल मिलाकर 2 से 8 सीटें तक ले सकते हैं, जबकि निर्दलीय भी इतनी ही संख्या में मुकाबले में है। अगर ऐसा हुआ तो भाजपा को खेल करने का मौका मिल सकता है। एग्जिट पोल में लाडवा से जीत रहे सीएम सैनी। एग्जिट पोल के नतीजों ने लाडवा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की जीत को स्पष्ट तौर पर दर्ज किया है, जबकि गढ़ी सांपला किलोई में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव जीत रहे हैं। उचाना में पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला कांग्रेस के पूर्व सांसद ब्रजेंद्र सिंह के सामने फंसे हुए हैं, जबकि हिसार में भाजपा की बागी पूर्व मंत्री सावित्री जिंदल भारी बताई जा रही है। यहाँ भाजपा सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे डॉक्टर कमल गुप्ता चुनाव लड़ रहे हैं। फंसी हुई है भव्य बिश्नोई की सीट। एग्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस के राव दान सिंह महेंद्रगढ़ में फाइट में है, जबकि पलवल में कांग्रेस के ही करण सिंह दलाल और भाजपा के रजत गौतम में सीट फंसी हुई है। आदमपुर में पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल के पोते भाजपा उम्मीदवार भव्य बिश्नोई की सीट फंसी हुई है, जबकि कैथल में कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला के बेटे आदित्य सुरजेवाला को चुनाव जीतने में परेशानी नहीं आ रही है। अनिल विज को चित्रा सरवारा से मिली है टक्कर। पुंडरी में पहली बार भाजपा की जीत की संभावना जताई जा रही है। यहाँ भाजपा के सतपाल जांबा कांग्रेस के सुल्तान जडोला के सामने चुनाव लड़ रहे हैं। टीआईएफ रिसर्च एंड जस्ट एग्जिट पोल के मुताबिक अंबाला छावनी के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज को कांग्रेस की बागी चित्रा सरवारा से टक्कर मिली है। तिगांव में कांग्रेस के बागी ललित नागर मजबूत स्थिति में बताए जाते हैं। इन सीटों पर भी मजबूत फाइट। बादशाहपुर में भाजपा के पूर्व मंत्री राव नरबीर की स्थिति काफी मजबूत है। फरीदाबाद में भाजपा के पूर्व उद्योग मंत्री विपुल गोयल चुनाव जीतने बताए जा रहे हैं।